क्या हमारे पूर्वज सच में आदि मानव थे? अगर थे तो कैसा रहा होगा उनका सफर, और हम कैसे आदि मानव से इंसान बने? आधुनिक खोजों से यह पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व शुरू हो चुका था। पहले मनुष्य पशुओं के समान जीवन यापन करता था, तथा उनके साथ साथ ये बानर जैसा दिखने वाला मानव खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता था। कहा जाए तो वह मानसिक व शारीरिक रूप से काफी कमजोर था। मानव ने शुरुआती जीवन काल में अनेकों परिस्थितियों का सामना किया था। वह प्रकृति से लड़े और काफी संघर्ष के बाद वह अपने साथी प्रजातियों की मदद से आधुनिक इंसानों को आधुनिक रूप देने में अपने आप को अनेकों स्तर पर विकसित किया था। आदि मानव काल काफी संघर्षों से भरा हुआ था। आदि मानव लगातार परिवर्तन के द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आवास व रक्षा के बारे में सोचने लगे। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वह भोजन इकट्ठा भी करने लगे थे, और जंगल के जानवरों से बचने के लिए लकड़ी और जानवरों की हड्डियों की मदद से धारदार हथियारों और पत्थरों का उपयोग करने लगे। उस समय यातायात के साधन ना के बराबर होने के बावजूद सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला करते थे। उस समय आदि मानव भोजन की तलाश में घूमते घूमते थक जाया करते थे। वह तब पेड़ों और पहाड़ों की गुफाओं में निवास करते थे। यही हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। इनका दिमाग समय व परिस्थिति के अनुसार बढ़ता गया और इनकी लंबाई में भी काफी परिवर्तन होना शुरू हुआ। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद ये दो पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खाने लगे। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होने लगे, जिससे जब वो दो पैरों पर खड़ा होने लगे तो ज्यादा दूर तक देखने लगे। जो आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगे। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति में भी विकास तेजी से होने लगा। उसके स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज में ज्यादा स्पष्टता आती गई। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि आदि मानव बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे। साथ ही उन लोगों में किसी भी तरह का बौद्धिक ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से इनका शिकार जंगली जानवर बहुत आसानी से कर लिया करते थे। खासकर तेंदुआ आसानी से शिकार कर लेते थे, क्योंकि यह इंसान के बाद एकमात्र जानवर है जो इंसानों की तरह पेड़ों पर चढ़ सकता था। उस समय इंसान भी दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ों पर रहा करते थे, पर धीरे धीरे इसमें सोचने की क्षमता का विकास हुआ तो ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पर रहने लगे, और अब वो धीरे धीरे ज्यादा सतर्क भी हो गए थे। आदि मानव हमेशा भोजन की तलाश में रहा करते थे। ये आपस में झुंड बनाकर जंगलों में इधर उधर भोजन की तलाश किया करते थे। इनको भोजन के अलावा किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। ये ना तो कपड़े पहनते थे और ना ही किसी तरह के अन्य काम में इंटरेस्ट रखते थे। शुरुआती समय में इनका सिर्फ एक काम होता था, और वो काम था भोजन की तलाश करना। और समय बदलने के साथ साथ मानव जीवन में काफी परिवर्तन होना शुरू हो गया था।